नमस्कार दोस्तों, खाना फटाफट में फिर से एक नया रेसिपी लेकर आ गई हूँ। आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल की पकोड़ा। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट्स और शेयर भी कीजिए। मूंग दाल की पकोड़ा बनाने के लिए मूंग दाल को पहले मिनिमम 2 घंटा भिगो के रखना है। 2 घंटे के बाद पानी को छान के मूंग दाल को एक अलग बर्तन पे ले लेंगे और उसके साथ बारीकी से कटा हुआ प्याज, हरा मिर्ची और धनिया का पत्ता डाल के ऊपर से थोड़ा सा बेसन और नमक, हल्दी पाउडर और कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल के उसको एक साथ मिक्स करना है। बस हो गया, मूंग दाल पकोड़ा का प्रिपरेशन हो गया। तो अभी चलिए मूंग पकोड़ा फ्राई करते हैं। पकोड़ा को डीप फ्राई करना है, तेल में तलना है। इसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा तेल ली हूँ। देखिए तेल भी गर्म हो गया है, तो चलिए अभी पकोड़ा फ्राई कर लेते हैं। ये पकोड़ा फ्राई करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक एक साइड मिनिमम 3 मिनट करके धीमी आंच पे फ्राई करना है और ये बहुत ही क्रिस्पी एक पकोड़ा रेडी होगा। ये पकोड़े आप दाल चावल के साथ खा सकते हो या तो चाय के साथ ऐसे ही खा सकते हो। महाराष्ट्र के गणेश पूजा में कोई कोई ये पकोड़ा एज ए भोग प्रसाद बनाते हैं, मतलब गणेश जी को जो भोग उत्सर्ग करते हैं उसमें बहुत कुछ बनते हैं, मोदक से लेके बहुत कुछ, तो उसमें से ये पकोड़ा भी बनाते हैं। देखिए ये पकोड़ा अभी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो चलिए इसको अलग कर लेते हैं। बाकी पकोड़ा भी मैं सेम प्रोसेस से फ्राई कर लूँगी। तो चलिए अभी पकोड़ा सर्व करते हैं। तो अभी आप लोग पकोड़ा का मज़ा लीजिए और तब तक मैं फिर से एक नया रेसिपी का प्रिपरेशन करके आपके पास जल्दी आ रही हूँ। मेरे ये रेसिपी अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।